हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई एम उर्वी जोशी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट समरी ऑफ द लेसन एक्सटेसी एंड एगनी बाय जयंत खत्री सेम फॉर जनरल इंग्लिश पेपर दिस कंटेंट बिलोंग्स टू जनरल इंग्लिश पेपर फॉर बी ए बी कॉम एंड बी एस सी स्टूडेंट्स एक्सटेसी का मतलब होता है आनंद खुशी जॉय और एगनी का मतलब होता है पीड़ा या दुख वेदना यही सेम समरी आपको गुजराती में भी मिलेगी बट काफ़ी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें हिंदी में बनाऊँ ताकि आपको ये स्टोरी समझ में आए सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द ऑथर एंड देन अबाउट द मेन कैरेक्टर्स एंड लास्ट वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द लेसन ओके सो अबाउट द ऑथर ऑथर इज़ जयंत खत्री हु इज़ ए नोटेबल राइटर इन गुजराती लिटरेचर तो गुजराती साहित्य के काफ़ी जाने माने uh, लेखक हैं ये अ ट्रांसलेटेड स्टोरी फ्रॉम अ गुजराती एंड टाइटल आनंद नुमोत सो गुजराती में स्टोरी थी आनंद नुमोत उसका हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ना है एक्सडेसी एंड एगनी ओके उन्हें अवार्ड मिला था उमा स्नेह रश्मि प्राइज़ एंड द नोटेबल वर्क ऑफ दिस ऑथर्स आर खरा बपोर 1968 सिक्सटी फोरा फॉर 1944 फोटी फ़ोर एंड वहता जरना नाइनटीन फिफ्टी टू हमें ये कहीं भी एम सी क्यूज़ में नहीं आएगा बट हम ये जो अबाउट द ऑथर जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन वो हम अपने शॉर्ट नोट के इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं ताकि जो हमारा आंसर है वो थोड़ा अच्छा लगे और उनकी लेंथ जो है वो थोड़ी बढ़ जाए लेकिन हमें उसके ऑथर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता ज़्यादातर ओके सो द कैरेक्टर्स जो मेन कैरेक्टर्स है वो है गोमती और वाल जी हस्बैंड एंड वाइफ गोपाल उनका एक बेटा है प्रेम जी जो कि कहीं पर भी हमारी स्टोरी में अपीयर नहीं होगा हमारे पास सिर्फ उनका नाम आएगा ओके okay? तो अब कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं गोमती वाइफ ऑफ वालजी एंड शी इज वेरी लॉयल टू हर हस्बैंड एंड रियली केयर अबाउट वाल वालजी इज अ टीबी पेशेंट सो शी टूक केयर हिम वाइजली गोमती जो है वो वालजी की पत्नी है और काफी लॉयल है अपने पति के लिए वो और वो टीबी पेशेंट है कौन टीबी पेशेंट है वाल जी ठीक है और वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रख रही है नाव वाल जी शी ही इज़ अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी एंड सफरिंग फ्रॉम टी स्टोरी इज़ बिगन विथ द कैरेक्टर एंड एंड विथ हिम हमारी स्टोरी जो है वो शुरू भी वालजी से होती है और उसका एंड जो है वो भी वाल जी से होगा जो कि टी पेशेंट है टाइटल इज़ ऑल्सो जस्टिफाइड विद दिस कैरेक्टर हमारा जो टाइटल है वो भी इसी के लिए है ओके okay? सो so, जो, जो जो है एस्केसी एंड एग्नी ये दोनों वर्ड जो है वो इसी के लिए यूज़ हुए हैं ही डाइड एट द एंड ऑफ द स्टोरी बट ही डाइड विद द सेटिस्फेक्शन डेट ही हैजन एनी वरी अबाउट हीज़ वाइफ तो एट लास्ट जब उसकी मौत होती है तो उसे ऐसा कोई ऐसी कोई चिंता नहीं होती उसके मन में कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी का क्या होगा गोपाल द फ्रेंड ऑफ़ वालजी ही इज़ अ विडोवर ठीक है गोपाल जो है वो विडोवर है सॉरी हाँ विडोवर है यानी विडोवर का मतलब होगा विदुर ऐसा इंसान जिनकी बीवी गुजर गई हो ही हैज़ अ लिटल सन एंड दे बोथ आर ऑल अलोन इन द वर्ल्ड ही प्रपोजड गोमती फॉर मैरिज ठीक है प्रेम जी इज़ अ लिटल चाइल्ड ऑफ गोपाल एंड ही डिडन्ट अपियर इन द स्टोरी ओनली हिज नेम मशन इन द स्टोरी एज आई टोल्ड यू शंकर पठान ऑल आर द बैकग्राउंड कैरेक्टर्स ये सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स है जो कि जैसे बाहर दुकान के बाहर खड़े हुए होते हैं ना वैसे ठीक है हमारी स्टोरी जो है उसकी समरी स्टोरी बिगन विथ द वालजी हु इज़ अ मेन करेक्टर ऑफ द स्टोरी ही इज़ जस्ट डिस्चार्ज फ्राम द हॉस्पिटल एंड टाइटल द आर्थर हॉस्पिटल ये हमें आ सकता है कि वाल जी जो है उनके साथ हमारी स्टोरी शुरू होती है जो अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है अपने हॉस्पिटल से जिसका नाम है आर्थर हॉस्पिटल वहाँ से ये डिस्चार्ज हो रहा है अब ये बंदा घर जा रहा है वाल जी वॉकड ऑन द स्ट्रीट एंड बोर्ड द बस टू रीच हिज होम ठीक है वो अपनी जो स्ट्रीट होती है जो गली उस पर चढ़ रहा है सड़क पर और उसे बस दिख रही है और वो उसे रोक रहा है यहाँ पर बोर्ड का मतलब होता है रोकना बस को रोकना आफ्टर ही सेट इन द बस ही टुक अ टिकट फॉर अ अिंडी बाजार तो बैठने के बाद वो भिंडी बाज़ार के लिए टिकट लेता है बट आफ्टर अ शॉर्ट क्वारल विद द कंडक्टर ही अगेन टुक अ टिकट फॉर अ अंडी नल बाज़ार एंड वन आना टिकट पंचड अगेन और फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत झगड़ा है वो हो जाता है कंडक्टर के साथ एक छोटी सी बहस हो जाती है और फिर वो अगेन जो दूसरी टिकट लेगा वो नल बाज़ार के लिए लेगा और इस बार वन आना जो है वो वापस टिकट पंचड होगी पंच होगी मतलब कि वो वापस पैसा देगा टिकट के लिए देन ही सेट कंफर्टेबली इन द बस अच्छे से आराम से अपनी सीट पर बैठ जाएगा वो ही बिकेम अ वीक काफी कमजोर हो गया है बिकॉज ऑफ अ टी वी एंड ही लुक्स लाइक अ लाइव स्केलेटन हु इज अ राइट फॉर द स्टडी ऑफ एनाटोमी इज अ ब्लू आईज लुक अगर ऑन हीज फेस काफी अच्छे से बैठ रहा है लेकिन वो काफ़ी कमजोर हो गया है टी वी की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे वो जलता फिरता कोई मुर्दा हो स्केलेटन हो और एक ऐसा उसकी बॉडी हो चुकी है जो आप एनाटोमी के अगर स्टूडेंट हो तो आप उसे बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो उसकी आँखें जो है वो उसके फेस के हिसाब से बहुत बड़ी बड़ी लग रही है और उनका फ़ेस जो है वो वो काफ़ी पेल है और उनकी आँखें जो है वो ब्लू हो चुकी है वाइल्ड ही वॉज़ सिटिंग इन बस विथ क्लोज आइज ही थाट अबाउट हीज जर्नी फ्रॉम लास्ट टू ईयर्स अच्छे से बैठा हुआ है अपनी आँखें बंद करके सीट पे ऊपर और वो सोच रहा है कि ये दो साल की जो जर्नी रही मेरी पिछले दो साल की वो कैसी रही एज अ टू ईयर अगो अ फ्यू टी बी जम्प्स गोट प्लेसड इन हिज लंग्स एंड देन इट इज़ इंक्रीजिंग इंक्रीज डे बाई डे नाव हिज लंग्स आर अ फूल ऑफ टू थिंग्स वन इज़ मेडिसिन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड फर्स्ट एंड द सेकेंड इज़ केविटी जम्प्स ऑफ टी बी दो साल पहले कुछ टीबी के जम्स जो है वो उनके लंग्स में आ गए और फिर दिन ब दिन ये लंग्स में उसके जो जम्स है वो बन बढ़ने लगे और अब जो उनके फेफड़े हैं वो दो चीज़ों से भरे हुए हैं एक तो अस्पताल की जो दवाइयाँ हैं वो और दूसरा ये जो जम्स है वो टीबी के एज वेल रिंग और फिर बेल जो है वो रिंग हो रही है ही गेट्स अप थ्रू द बस एंड वॉकड ऑन द फुटपाथ बस से उतर कर वो फुटपाथ पर चढ़ना उसने शुरू किया सडनली ही फेल एक्सटेसी अचानक से उसके अंदर एक अजीब सी खुशी होने लगी एक्सट्रेस का मतलब होता है हिज अ हार्ट इज अ फुल ब्लूम विद द फीलिंग ऑफ जॉय अचानक से उसे खुशी होने लगी विदाउट एनी रीजन ही वॉज हैप्पी विथ दिस स्टेज ऑफ माइंड अभी जो उसे अनुभूति हो रही थी आनंद की अनुभूति उस चेज अब जो स्टेट ऑफ माइंड था उससे वो काफ़ी खुश था एंड सडनली फॉल डाउन द पीपल अराउंड हिम लाफ ऑन दिस सिचुएशन बट ही टू अप अगेन फॉल डाउन विथ अ ब्रॉड स्टाइल ब्रॉड स्माइल ऑन हिज फेस ठीक है वो धीरे धीरे चल रहा है लेकिन वो सडनली गिर जाता है उसके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं जैसे शंकर पठान ये सारे लोग उस पर हंसने लगे वो वापस खड़ा हुआ उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी और वो उसने चलना शुरू कर दिया द पीपल इज़ अ प्रेजेंस डोंट बोधर हिज फीलिंग्स ऑफ जॉय जो, जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और जो उसके ऊपर हंस रहे थे उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था किसे वाल जी को धैन अगेन ही स्टार्ट्स वॉक अगेन उसने चलना शुरू किया अ संकर ऑर्डरिंग हिज पान इन द कॉर्नर ऑफ बाज़ार एंड धैन ही लुक्ड अप टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होम एंड एग्जैक्ट आफ्टर धेट तुलसी प्लांट अ क्लोज्ड विंडो रूम इज़ बिलोंग्स टू हिम और जो आ, संकर वहाँ पर खड़ा हुआ था वो पान वाले को पान का ऑर्डर दे रहा था कॉर्नर में और फिर वो देख रहा था कि यहाँ से जो थर्ड फ्लोर है और जो एग्जैक्ट तुलसी का प्लांट है उसके पीछे जो बंद खिड़की है वो जो कमरा है वो मेरा है ऐसा वाल जी अपने अंदर मन में सोच रहा है While ही रिज्ड हिज रूम ही लिसन सम नॉइस ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन इज़ वाइफ गोमती एंड गोपाल ये गोपाल कौन है जो वालजी का दोस्त है वो उसकी बीवी को मिलने के लिए आया है किसके बीवी को वालजी की बीवी को मिलने के लिए आया है तो जैसे ही वो अपने घर के जो रूम है उसके पास पहुँचता है तो उन्होंने सडनली आवाज़ सुनी वाल जी ने कि ओके okay, किसी दो लोगों की आवाज़ बातें चल रही है और वो दो लोग जो थे वो थे गोमती और गोपाल गोपाल जो है वो बोल रहा था लुक आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू बट वालजी इज़ अ डेथ वालजी इस डेथ इज़ इनएविटेबल इनविटेबल का मतलब होता है जिसे आप रोक ना पाओ वैसा so after his death you can make my home to yours and please i will and please be ha huh, and please be a mother of my little prem ji he got a partner okay he also got a partner or also got a mother okay? तो गोपाल जो है वो बोल रहा है गोमती के गोमती से कि देखो मैं तुम्हें hurt नहीं करना चाहता लेकिन वालजी जो है उसकी मौत निश्चित है तो उसकी मौत के बाद तुम मुझसे शादी कर लेना मेरे घर को अपना घर बना लेना और मेरी प्रेम जी को भी माँ का प्यार मिल जाएगा और तुम उसकी माँ भी बन जाना और मुझे पार्टनर भी मिल जाएगा एंड आई गोट अ पार्टनर और मैं पार्टनर मुझे लाइफ पार्टनर मिल जाएगा एज सुन एज ही फिनिश्ड हिज लाइन वाल जी एंटर्स इन द रूम जैसे ही इसने अपनी लाइन खत्म की गोपाल ने तुरंत ही वाल जी रूम में एंटर हो गया ही फोल्ड डाउन आकर वो गिर गया सो so, गोमती एंड गोपाल हेल्प डेम तो ये दोनों उसकी मदद करने लगे दे ऑल सीप टी लेमन टी वो लोग पी रहे थे टुगेदर एंड ऑल्सो गुड न्यूज़ ऑफ ईच अदर देन गोपाल वेंट देन गोपाल वेंट वालजी एंड गोमती स्पेंड अ टाइम टुगेदर तो ये तीनों लोग एक साथ बैठे लेमन टी पी एक दूसरे के हाल चाल पूछे और फिर जो गोपाल है वो वहाँ से चला गया और फिर वालजी और गोमती ने अपना टाइम जो है वो साथ में स्पेंड किया गोमती शी इज़ हैप्पी टू सी हिम लाइक अ लिटल हेल्दी देन बिफोर गोमती अपने पति को ऐसे थोड़ा हेल्दी देख कर अच्छा उसे लग रहा था उसे लगता था कि पहले से अब इसके हालात थोड़े अच्छे हैं तो वो काफ़ी हेल्थ हैप्पी थी ये देख कर काफ़ी खुश थी शी इज़ सेटिस्फाइड बिकॉज आफ्टर अ टू मंथ्स ऑफ मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट ही इज एबल टू स्टूट ऑन हीज ऑन लेग्स तो उसे लगता था कि दो महीने की जो मेडिसिन और ट्रीटमेंट चली उसके बाद ये एटलीस्ट अपने पैरों पर खड़ा हुआ है तो ये एक चीज़ एक बहुत अच्छी हुई है वाल जी के साथ नाव वाल जी ही इज़ हैप्पी टू सी हिज वाइफ हु इज़ एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ब्यूटीफुल लाइक अ लोटस शी इज़ अ यंग एट्रैक्टिव एंड यूथफुल जस्ट ट्वेंटी सेवन ईयर्स ओल्ड वाल जी भी अपनी बीवी को देखकर खुश था और बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है जैसे एक लोटस होता है कमल का फूल पैसे ही और उसी फूल की तरह ये यंग है एट्रैक्टिव है यूथफुल है और सत्ताईस साल की है शी इज़ अ फेथफुल एंड लॉयल टू वो खूबसूरत भी है और इस अपने पति के लिए लॉयल भी है वफादार भी है शी सोल्ड हर ज्वेलरी फॉर वाल जी वेन शी सोल्ड हर गोल्ड वेस्ट थ्रेड वेस्ट थ्रेड का मतलब होता है कमरबंद ही प्रोमिस्ड हर टू गिव हर ऑर्नामेंट फ्रॉम हेड टू टो बट कुडंट कंप्लीट हिज प्रोमिस उसे याद है कि जब वो दवाइयों के लिए अपनी ज्वेलरी को बेच रही थी तब वो थोड़ी उदास थी तब वाल जी ने उसे वादा किया था कि तुम अपना कमरबंद जो है उसे बेच उदास हो पर मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि एक दिन मैं तुम्हें अपने सर तुम्हारे सर से लेकर पाँव तक तुम्हें सोने में लद कर रख दूँगा इतना सोने के गर्नामेंट्स में तुम्हें दिला दूंगा शी मसाज हिज लेग्स बिकॉज इट इज़ अ पेन एज़ हर हस्बैंड टोल्ड हर क्योंकि उसके पति ने कहा कि उसके पाव में दर्द हो रहा है थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो वो उसके पाव जो है उसे मसाज कर रही है वाल जी उसे सवाल पूछ रहा है गोमती से वॉट इफ़ आई डाई गोमती स्माइल्ड लाउडली एज शी थॉट इट वॉज़ हिज जोक वाल जी उसे पूछ रहा है कि अगर क्या होगा अगर मेरी मौत हो जाए तो तो गोमती जो है वो जोर से हंसती है और उसे लगता है कि उसका पति जोक मार रहा है कुडंट नोटिस इज पेन बिकॉज ही हाइड दैट पेन आफ्टर हिज स्माइल बरूबर उसने अपनी जो पेन था क्योंकि उसने गोपाल और गोमती की बातें सुन रही थी कि गोपाल ने उसे प्रपोज़ किया है शादी के लिए तो उसे ऐसा लगता था कि क्या इसने सोचा हुआ है कि मेरे जाने के बाद ये उससे शादी कर लेगी तो इसीलिए वो उसे सवाल पूछ रहा है कि क्या होगा अगर जो मेरी मौत हो जाए तो लेकिन गुमती जो है वो हंसकर इस बात को ऐसे जाने देती है जैसे वो जोक था लेकिन वालजी जो है वो एक्चुअल में पेन में था लेकिन उसने अपना वो पेन जो है वो अपनी स्माइल के पीछे छुपा कर रखा हुआ था इन बिटवीन हर हेयर कम आउट on her face, so he removed it from her face and take, टक इट आफ्टर हर ईयर्स इन्हीं हँसी मज़ाक की बातें हो रही थी उसी के बीच में जो गोमती है उसके बाल जो है वो फेस के ऊपर आने लगे तो वालजी जो है वो उसके फेस के ऊपर से वो बाल जो थे उसे ऐसे हटा कर उसके कानों के पीछे रख रह रहा है उसके बाद शी फॉल अ स्लीप नियर अ वाल जी आफ्टर ऑल इट इज़ लेट नाइट नियर अबाउट वन ओ क्लॉक बट वाल जी कूड स्लीप एक बज चुका था रात का ये उसके पास ही सो गई थी लेकिन वाल जी को नींद नहीं आ रही थी वन टू थ्री ओ क्लॉक आवर आफ्टर बाय आवर वेन एवर ही वॉज थिंकिंग अबाउट गोपाल एक बज गए दो बज गए तीन बज गए घंटे ऐसे समय पसार होने लगा और उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी वाल जी के दिमाग में और वो था गोपाल वो गोपाल के बारे में ही सोच रहा था दो ही इज़ ओके विथ दिस प्रपोजल बिकॉज शी इज यंग एंड लाइफ इज़ अ लॉन्ग विथ हेम शी कैन नॉट स्टार्ट हर लाइफ अगेन और उसे लग रहा था कि हाँ इट्स ओके okay, ना मैं नहीं रहूँगा तो फिर उसे कोई तो चाहिए होगा जो उसका ख्याल रखे तो उसके प्रपोजल से ये ओके था और उसे लग रहा था कि लाइफ काफ़ी बड़ी है उसे भी तो कोई लाइफ पार्टनर चाहिए होगा ना तो ठीक है अगर वो उससे शादी कर ले तो कौन सी बड़ी बात है ये वो खुद को समझा रहा है अ टेंडर स्माइल ऑन गोमतीज फेस इज रिमेन द सेम इन हर स्लिप इन हर स्लिप जैसे वो हंसी हंसकर सोई हुई थी वही स्माइल उसके ऊँटों पर अभी भी कायम थी टू लुक हर स्माइल अ फीलिंग टू किस हर फुल ब्लूम फेस इज अ सिंपली गॉन उसकी स्माइल को देख कर उसके अंदर एक इच्छा हुई थी उसे किस करने की लेकिन उसकी स्माइल में ही वाल जी जो है वो खो गया सो ही किस्ड द बॉर्डर ऑफ हर सारी तो उसने और कहीं कही ना कहीं उसे लगता था कि अगर मैं इसे किस करूंगा तो शायद ये जाग जाएगी तो उसने क्या किया कि उसकी जो साड़ी की बॉर्डर थी उसे उसने किस कर लिया वाल ने देन ही गॉट आउट फ्रॉम द रूम टू टेरेस सडनली ही कफ्ड एंड वाइल ही रिमूव दैट कफ विथ द हेल्प ऑफ हिज धोती इट इज अ स्टेन ऑफ ब्लड ही रिलीज्ड हिज डेथ एंड सो ही लेफ्ट हिज होम वॉक अलोन टू द स्ट्रीट ऑफ नल बाजार before leaving his home he filled his stomach with water which gave him a peace for a while and then wash his face down his stairs become ready to go along and far from the dearest wife but this poor fellow didn't realize in her deep soundful sleep अब क्या हुआ कि बस उसे किस किया उसकी साड़ी को और फिर वो अपने कमरे से बाहर निकल गया टेरेस के लिए सडनली उसे कफ़ आया कफ़ आया मतलब खांसी आई और उसी कफ़ में उसे खून आया अब वो अपनी धोती से मुंह साफ़ कर रहा था तो वो जब उसने अपनी धोती देखी तो उसमें उसने देखा कि ओ उसे तो खून आया हुआ है और वो समझ गया कि अब उसकी मौत जो है वो निकट है और वो चाहता था कि उसकी बीवी उसे इस हालत में ना देखे इसलिए उसने क्या किया उस आ, आ, अपनी जो सीढ़िया थी उसे उतरा और फिर वो बाहर चला गया नल बाज़ार जो स्ट्रीट था वहाँ गया और उसने सोच लिया था कि वो अपनी बीवी से बहुत दूर चला जाएगा मतलब कि उसके सामने वो नहीं मरेगा लेकिन उसकी बीबी को ये किसी भी बात का उस अंदाजा नहीं था वो अभी भी सोई हुई थी एट लास्ट ही रीच्ड नियर द पोस्ट बॉक्स अगेन ऑल ब्लड केम टू द ब्रेन ही कफ्ड एंड वोमिटेड ऑन द स्ट्रीट एंड फेल डाउन ऑन ब्लड एट लास्ट हिज ओपन आइज लुकिंग टू द एम टी स्ट्रीट बिफोर हिज डेथ और हाँ जब वो घर से निकला उससे पहले उसके जो छत थी टेरेस थी वहाँ पर एक नल था उसमें उसी नल में से उसने पानी लिया और अपने पेट को भर लिया पानी से ही ताकि उसे थोड़ी शांति मिल जाए थोड़े थोड़ा वध के लिए उसे सुकून मिल जाए और फिर वो बाहर निकल गए जब वो नल बाज़ार गया उसके बाद थोड़ा आकर स्ट्रीट में गया तो वहाँ पर एक पोस्ट बॉक्स था वहाँ पर वो खड़ा हुआ वापस एक साथ जो खून है वो उसके ब्रेन में आ गया वापस उसे कफ़ हुआ वोमिटिंग हुई स्ट्रीट के ऊपर और फिर वो खून वाली उसे वोमिटिंग हुई और फिर वो उसी वोमिट में उसी खून में वो गिर गया और जब वो एक लास्ट लेटा हुआ था उसकी आँखें थोड़ी सी खुली हुई थी और उसकी नज़र जो है वो खाली सड़क पर पड़ी हुई थी स्टोरी इज़ एंड विथ द वाल इस डेथ और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है और यहीं हमारी कहानी ख़त्म हो जाती है बट ही इज़ वे हैप्पी बिकॉज आफ्टर हिज डेथ गोमती इज़ नॉट अलोन लेकिन उसके दिल में एक खुशी थी सुकून था कि मेरे बनने के बाद मेरी बीवी जो है वो एक अकेली नहीं है मतलब कि कोई है जो उसका ख्याल रखेगा शि विल भी हैप्पी विथ गोपाल उसे लगता है कि वो उसे काफ़ी खुशी देगा क्योंकि ये उसे खुशी नहीं दे पाया ये उसे साथ नहीं दे पाया ही इज़ अ कॉन्स्टेंट स्टेज ऑफ एगनी हर पेन बोथ अवे इंटरनली एंड एक्सटर्नली उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट एग्नी थी एग्नी यानी कि पेन था एक दर्द था दोनों इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी इंटरनली था क्यों कैसे था पेन नॉट टू गिव दैट हैप्पीनेस टू गोमती बिच शी डिज़र्व उसे लगता था अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि मेरी बीमारी की वजह से मैं अपनी बीबी को वो खुशी नहीं दे पाया वो वक्त नहीं दे पाया वो साथ नहीं दे पाया जिसके वो डिजर्व करती थी और एक्सटर्नल पॉइंट पेन था वो था उसकी इलनेस उसका बीमार शरीर तो बस यही हमारी कहानी खत्म होती है और इसीलिए हमारी जो स्टोरी है उसका टाइटल है एक्सटेसी एंड एगनी सो दैट्स इट फॉर टू वीडियो गाइस आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी अगर आपको समझ आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा आपके दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा और हाँ अगर आप आ, ब्रिटिश लिटरेचर यानी फिर स्टूडेंट है मेन इंग्लिश लिटरेचर के तो आप आ, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं और भी काफ़ी वीडियोस जो है वो सेम टू सेम फोर और सेम सिक्स के अपलोड करने वाली हूँ तो आपको वो वहाँ से मिल जाएंगे अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस मेरे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालती हूँ उसकी भी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूँगी और ये जो लेसन मैंने आपको समझाया स्टोरी समझाई हुई है इसकी भी पी नोट्स आपको मिल जाएगी सो दैट्स इट फॉर टू डेज वीडियो काइज थैंक यू सो मच धन्यवाद मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल बाय टेक केयर